हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे स्लज बल्किंग प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों जो स्लज बल्किंग प्रॉब्लम है एक्टिविटी स्लज प्रोसेस में, इसके पीछे कारण क्या होती है कि क्यों स्लज बल्किंग होती है और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर लेना। तो आइए समझते हैं स्लज बल्किंग को। दोस्तों स्लज बल्किंग की जो समस्या होती है ये बहुत ही बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब भी देखते हैं और आपके इरिगेशन टैंक में यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम में कुछ भी और डिस्टरबेंस होती है, कुछ भी ऐसे जो पैरामीटर है नीचे ऊपर होता है, तो आप देखते हैं कि उसमें जो स्लज बल्किंग की समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। स्लज बल्किंग प्रॉब्लम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। स्लज बल्किंग को और हम बताएं तो एक हम कंडीशन ले लेते हैं, डिस्क्राइब अ कंडीशन इन विच एक्टिविटी स्लज हैज पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड पुअर कंपैटिबिलिटी। यानी कि हम जो कंडीशन लिए हैं कि एक्टिविटी स्लज में जो पुअर सेटलिंग है और पुअर कंपैटिबिलिटी है एक्टिविटी स्लज की, तो इसके पीछे कारण क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी जो काज होते हैं उसको मैंने एक एक पॉइंट ले लिया है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, द प्रेजेंस ऑफ फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म इज द प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ स्लज बल्किंग। यानी कि जो फिलामेंटस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जिसकी जरूरत से ज्यादा उपस्थिति होती है, तो ये भी क्या होते हैं, एक काज होते हैं स्लज बल्किंग के लिए। ठीक है, ये भी एक कारण होते हैं स्लज बल्किंग के लिए। जो सेकेंड पॉइंट देखा जाए, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर, यानी कि अगर जो वाटर का जो एक्सेस है या जो बॉन्ड वाटर है उसका एक्सेस है कहां पर, इन द बैक्टीरिया सेल रिड्यूस द स्लज डेंसिटी। यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल है उसके अंदर अगर एक्सेस वाटर है या बॉन्ड वाटर एक्सेस में है तो जो स्लज की जो डेंसिटी क्या होती है कम हो जाती है, उस कंडीशन में भी स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम आती है, यानी कि ये भी एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, लो पीएच लो डीओ एंड लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन हैव बीन लिंक्ड टू स्लज बल्किंग। यानी कि जो लो पीएच है लो डीओ है और लो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन है तो वो भी लिंक करता है स्लज बल्किंग के लिए, यानी कि ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है स्लज बल्किंग के लिए। बट हाई एफ एम रेशियो एंड लो एम सी आर टी आर द प्राइमरी काज ऑफ रिपीटेड बल्किंग। लेकिन और जो हाई एफ एम रेशियो फूड टू मास रेशियो जो है और एंड लो एम सी आर टी यानी कि मेन सेल रिटेंशन टाइम है, तो इसके द्वारा भी जो रिपीटेड जो स्लज बल्किंग होती है उसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हाई एफ एम रेशियो है तब भी एंड लो एम सी आर टी है तब भी क्या होती है, जो रिपीटेड स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम आपके यहाँ देखने के लिए मिलती है। और जो बार बार जो रिपीट हो रहा है तो उसके पीछे मेन रीजन क्या होती है, एफ एम रेशियो और लो एम सी आर टी। जो MCRT है इसको मैं बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूँ कि MCRT होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर आप FM रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। इस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। तो ये थे काज जिसकी वजह से जो पुअर सेटलिंग और पुअर कंपेटिबिलिटी होती है, इतने काज को आप हमेशा याद रखना। तो जो पुअर जो कंपेटिबिलिटी है और जो पुअर सेटलिंग है आपके यहाँ ये रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप इसको हमेशा आप ध्यान में रखते हैं। अब देखते हैं सोल्यूशन के बारे में कि अगर मान लीजिए स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम आपके यहाँ हो रही है तो उसको आप कैसे कम करेंगे या कैसे उसको आप खत्म करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो इंक्रीज द एमसीआरटी, यानी कि आपको जो मेन सेल रिटेंशन टाइम है उसको आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, कैसे इंक्रीज करना है, कितना करना है, इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। जब एमसीआरटी की वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। इंक्रीज द डीओ, डीओ आपको इंक्रीज करना है एरिएशन बेसिन के अंदर। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो डीओ का जो लेवल होता है आप मतलब 2 ppm तक आपको रखना होता है, 2.2 तक भी रख सकते हैं, बेटर है 1.5 से 2 के बीच में और जब रखें तो अच्छा होता है। इंक्रीज हाइड्रोलिक डिटेंशन टाइम इन द एरिएशन बेसिन, यानी कि जो एरिएशन बेसिन है उसके अंदर हाइड्रोलिक जो डिटेंशन टाइम है उसको आप बढ़ा दो, तब भी आपका जो स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। क्लोरिनेशन द रिटर्न स्लज, यानी कि आपका जो रास जो होती है यानी कि रिटर्न एक्टिविटी जो स्लज होती है उसको थोड़ा सा क्लोरिनेट करो, तब भी आपकी जो स्लज बल्किंग की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। एड फ्लॉकुलेंट, या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर फ्लॉकुलेंट की को ऐड करें तब
भी आपका जो स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। कंट्रोल सल्फाइड आयंस इंटरिंग द एरिएशन टैंक, यानी कि जो सल्फाइड्स के आयन आपके एरिएशन टैंक के अंदर जो आ रहे हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आपकी जो स्लज बल्किंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।